फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7:30 का। आयजा भी रेडी हो चुकी है, आज हम जा रहे हैं अम्मी लोगों की तरफ रुकने के लिए। मेरे हस्बैंड भी आज साथ जा रहे हैं मेरे, और बस अब हम निकलने लगे। रेडी हम लोग सब लोग हो गए। आयजा हाय कर दो। आयजा कहाँ जा रही है? जोया के घर। आयजा जोया के घर जा रही है। आयजा हाय कर दो। चलें जी, आपको मिलते हैं अम्मी लोगों के घर ही फिर। The next day. वो हो चुकी है और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। साथ चने भी हैं, दही भी है, आम भी, और एक पराठा इन्होंने खा लिया। अब दूसरे की शिफ्ट लगा रहे हैं, और यहाँ पे अब हम अंदर नाश्ता बना रहे हैं मिल के, भाभी, मैं और अलीशा। चलें जी, आपसे मिलते हैं नाश्ता बनाने के बाद। सबको नाश्ता दे दिया है, अब हम नाश्ता कर रहे हैं। कर लिया था, और यहाँ पे अब मैंने चिकन मंगवाई है अपने घर के लिए, विंग्स मंगवाए। अब इसके मैं पैकेट बनवा के रखूँगी अपने लिए, मैंने ये मंगवाई है घर के लिए। और क्योंकि ज़्यादा चिकन हमसे खाई नहीं जाती तो विंग्स अच्छे लगते हैं, इसलिए छोटे छोटे पैकेट बना के ले जाऊँगी मैं। और यहाँ पे साथ में हमने पालक भी कट करके बॉयल कर लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे भिंडी का सालन भी बना लिया, मसाले वाली भिंडी। और बस अभी पैकेट बना लूँ मैं चिकन के, और जोया भी स्कूल गई हुई है, फिर जोया स्कूल से आ जाएगी तो उससे भी गपशप करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको आयजा और जोया की मस्तियाँ। आयजा आयजा, क्या क्या कर रहे हो आप? मामी के साथ खाना बैठ के खाना बना रहे हो? उजड़ा चमन बने हुए हो आप आज। और भाभी यहाँ पे रोटी बना रही है, मुझे पता था कोई कर्तव्य कर रही होंगी आप, मैंने बोला मैं भी जाती हूँ साथ। आयजा का भी बनाया है ना मैंने। सही, आयजा को भूख भी लग गई है। यहाँ पे जोया का सैंडविच रेडी हो रहा है, और साथ में रोटी भी बन रही है। मेरी तो नहीं बनाइएगा, मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं है। खाएंगे ना। हाँ बस हाय करो। खाना वाना वगैरह हमने पका लिया, और सब ने खा भी लिया खाना। यहाँ पे किचन भी हमने क्लीन कर दिया साथ ही साथ। और यहाँ पे अब मम्मी ने देसी चिकन निकाल के रखी है, क्योंकि शाम को अबू के कोई दोस्त आ रहे हैं खाने पे, चिकन बनाएंगी और साथ में कबाब वगैरह फ्राई करेंगे, रायता वगैरह। तो मम्मी खुद ही बनाएंगी देसी चिकन, क्योंकि हमसे सही तरह बनती नहीं है। और अब भाभी भी नमाज़ पढ़ने जा रही है, तो हम भी जाते हैं अंदर आयशा के पास। चलें जी, बैर चलते हैं। बैर हमारे भाई आए हुए हैं, भाइयों की तरह है हमारे, मुदस्सिर भाई। उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मुदस्सिर भाई मेरे को रह गया कम से कम 6-7 साल, और मेरे ग्रामा तरीके, मेरे बच्चे तरीके जिमें गेट दें घंटी मारे, तो मैं आराम देना आपकी फैमिली लाया है, क्योंकि आपके लोगों को फैमिली में ही ना बैठ के मोबाइल चला रही है अपना, और हम लोग वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। भाभी और मैं सब ने खा लिया था, हम लोगों ने कल चाइनीज राइस बनाए थे तो वही खाएंगे हम अभी। तो यहाँ पे अब हम खा रहे हैं, खाना प्लेटों में डाल लिए हमने, और ये बैर से हम चम्मच उठा के आए, इतने गर्म थे कि जैसे इसे किसी ने चूल्हे पे रख दिया, बहुत गर्मी है आज। और यहाँ पे केचप डाल के हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि हमें केचप के साथ खाना पसंद है। आज बहुत गर्मी है बैर, बहुत ज़्यादा। रात की बची रोटी पड़ी थी तो मम्मी बना रही हैं छोटे छोटे इसके टुकड़े मुर्गियों के लिए, ताकि चीज़ ज़ाया भी ना हो और किसी के काम भी आ जाए, वो खा लेंगी, उनका पेट भी भर जाएगा।
तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।